वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th कॉमर्स की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने जीएसटी के बारे में डिस्कस किया, अपन ने जीएसटी का मीनिंग समझा था, जीएसटी के टाइप समझे थे और जीएसटी को कैलकुलेशन करने की बात करी थी और उसको अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व भी किया था। आज उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही है, एग्जाम्पल नंबर 14 है, आपको सॉल्व भी करना है। एक बार मैं इसको यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ, आपको दोबारा से इसको सॉल्व करके हुए काम करना है। देखिए कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 प्लस IGST एट द रेट ऑफ 18%। जब IGST की बात करी तो अपन क्या कहते हैं, इट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन मतलब दोस ट्रांजेक्शंस विच वेयर द गुड्स आर सोल्ड बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट। बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट आर नोन एज IGST। तो IGST 18% की रेट से करनी है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, यानी कि ये अमाउंट अपन ने इमीडिएट पेमेंट कर दी, जब परचेज किया उसी टाइम ड्यूरेशन पर इसका अमाउंट का पेमेंट कर दिया था। सेकेंड ट्रांजेक्शन अपना लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ ₹40,000 प्लस IGST 18% एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली, उसमें से अपन ने क्या किया, इमीडिएट जो पेमेंट किया वो कितना किया, हाफ ऑफ द अमाउंट, इसका हाफ अमाउंट इमीडिएट कैश पेमेंट किया है। देखो एक चीज है, अपन बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, प्रैक्टिकली जब अपन लाइफ में जीएसटी को काम में लेते हैं तब जीएसटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ बोथ टू टाइप्स डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बट इन आवर बुक्स अपन ने क्या कहा, अपन ने कैश डिस्काउंट को इग्नोर करते हुए काम करना है। क्यों करना है, क्योंकि साहब बोर्ड ने CBSE ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूली कॉमर्स के अंदर इंटर हुए हैं और स्टार्टिंग में न्यूली अकाउंट्स की स्टडी करते हैं उनके लिए आफ्टर द कैश डिस्काउंट ऑफ जीएसटी, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी आफ्टर द कैश डिस्काउंट इज वेरी हार्ड, वो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाता है तो सीबीएसई ने क्या किया, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको इग्नोर करने की बात करी। किसको, सिर्फ कैश डिस्काउंट को। किसको किया है, सिर्फ कैश डिस्काउंट को किया, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्शन के बाद में अपने को जीएसटी का कैलकुलेशन करना है। अपने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद में जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं करना है, क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि साहब कैश डिस्काउंट भी माइनस होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जीएसटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ बोथ टू टाइप्स डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ठीक है, अब थर्ड ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹20,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड बैलेंस रिसीव्ड बाय हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस रिसीव्ड बाय चेक। फोर्थ ट्रांजेक्शन अपना लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स कोस्टिंग ₹40,000 अगेंस्ट ए चेक और एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। हमने ₹40,000 की कोस्ट का मटेरियल सेल किया, यानी कि ये इसकी सेलिंग प्राइस नहीं है, ये आपकी कोस्ट वैल्यू दे रखी है कि 40,000 क्या है, कोस्ट वैल्यू, और उसको आपने बेचा कितने पर है, 25% प्रॉफिट अर्न करते हुए, और ये 25% प्रॉफिट की रेट किस पर दी गई है, कोस्ट पर दी गई है। तो सबसे पहले अपन इसकी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर डिडक्ट 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18% और कैश डिस्काउंट अलाउड एट 2%, 2% की रेट से कैश डिस्काउंट अलाउ करना है। तो अब पहली एंट्री अपन बात करें कि परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000, यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स अपन ने क्या किया, परचेज किया, इनपुट। अब जीएसटी परचेज के साथ में इनपुट आती है, यानी कि इनपुट IGST, अकाउंट डेबिट, परचेज किया, इसका मतलब अपन ने पेमेंट किया है और परचेज के पेमेंट का अपन ने इमीडिएट पेमेंट कर दिया था, कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ,
जब अपन ने परचेज किया उसी टाइम पर अपन ने क्या किया, इसको पेमेंट कर दिया, तो अपन एंट्री कर लेते हैं टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब परचेज के साथ में जो डिस्काउंट आता है अपन ने जब डिस्कस किया था, इट मींस ये रिसीव्ड होता है, और अगर सेल्स के साथ में आता तो ये क्या होता, अलाउड होता, यही होता। अब अपन एंट्री की बात करें तो अपन ने गुड्स कितने रुपए का परचेज किया, यानी कि 40,000 का गुड्स परचेज किया है। पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट की जब बात आती है तो अपन इसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, 40,000 रुपीज का, लेकिन आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि सबसे पहले अपन ये बात कर लें कि साहब 40,000 माइनस 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। 40,000 का 10% कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, 4,000 माइनस कर दो, यानी कि गुड्स कितने रुपए का परचेज किया आपने, 36,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, कि परचेज अकाउंट डेबिट 36,000, यही तो किया। अब इसको पेमेंट भी करना है अपने को, और पेमेंट करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, इसकी जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल अमाउंट पे जीएसटी, कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जीएसटी की अमाउंट कितनी है, 18%, यानी कि 36,000 का 18%। जब 36,000 का 18% कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये अमाउंट हो जाती है 6480, कितना हो जाता है 6480। अब टोटल अमाउंट कितनी हो गई पेमेंट करने की, 36,000, तो गुड्स की परचेज अमाउंट पेमेंट करना है 6480 का, तो टोटल अमाउंट पेमेंट कितना करना है अपने को, 42,480। अब इसका कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं, यानी कि 2.5% कैश डिस्काउंट निकाल दिया इसका, इसी में से माइनस कर देते हैं टोटल अमाउंट के ऊपर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं अपन, पहले 36,000 का 2.5 कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर बची हुई अमाउंट के ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन होता है इन प्रैक्टिकल में। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इसको इंक्लूड करते हुए ही काम कर लेते हैं, यानी कि अब इसका 2.5% कैश डिस्काउंट की बात करेंगे तो ये अमाउंट आ जाती है अपनी 1062, कितना अमाउंट आ गया 1062। अब 42,480 में से इतने रुपए का आपको पेमेंट करना था संजीव को, संजीव से आपने गुड्स परचेज किया था तो इतने रुपए का पेमेंट करना था। क्यों करना था, क्योंकि 36,000 का तो गुड्स की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुड्स है, और प्लस 6480 जीएसटी की वैल्यू है, यानी कि टोटल पेमेंट कितना करना है आपको 42,480 का, इसमें से 1062 का आपने क्या कर लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया। जब ये डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 41,418 आ गई, क्या 41,418 का आपने कैश पेमेंट कर दिया। नरेशन अपन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम संजीव एंड जीएसटी पेड, नरेशन लिख दिया, क्लियर है क्या। एक बार दोबारा देखो, अपन ने गुड्स परचेज कितने का किया, 40,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 10%, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को करना क्या होता है, पहले जो परचेज वैल्यू है उसमें से उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देना है, यानी कि 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,000 रुपीज होता है, 4,000 रुपीज को 40,000 में से आपने क्या किया, लेस कर दिया, तो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई 36,000 की। तो साहब आपने गुड्स कितने रुपए का परचेज किया, 36,000 का। अब इस 36,000 के ऊपर जीएसटी का चार्ज करना है 18% की रेट से, तो 36,000 का 18% कैलकुलेट किया, 6480 का सब जीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, टोटल अमाउंट का पेमेंट कितना करना है 42,480, कैसे आया 36,000 प्लस 6480, 42,480 रुपीज का पेमेंट करना है। लेकिन संजीव ने 2.5% कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, किसने किया है, संजीव ने किया है, इट मींस अपन ने रिसीव किया है, अपने लिए गेन हो गया, गेन क्रेडिट कर दिया। तो इस 42,480 का 2.5% अपन ने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, बची हुई अमाउंट का अपन ने पेमेंट कर दिया यहां पर, क्लियर है।
सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ रुपीज 40,000 प्लस आईजीएसटी 18% एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, कैश डिस्काउंट का जब मीनिंग बताया था अपन ने, तब अपन ने ये कहा था कि कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ और फॉर द प्रमोट ऑफ कैश पेमेंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, कैश पेमेंट के लिए दिया जाता है। यानी कि अब यहां पर इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपने कैश का पेमेंट कितना किया है, हाफ अमाउंट का पेमेंट किया है, तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितनी अमाउंट पर मिलेगा, हाफ अमाउंट पर। बैलेंस हाफ तो क्रेडिट है, क्रेडिट है कि नहीं है, यानी कि क्रेडिट है तो वहां पर कैश पेमेंट तो हुआ ही नहीं। जब कैश पेमेंट नहीं हुआ तो कैश डिस्काउंट भी नहीं दिया जाएगा। इट मींस अपने को एंट्री क्या करनी है, सेम परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गुड्स, किससे परचेज किया है, विजय से, यानी कि क्रेडिट परचेज भी है, यानी कि टू विजय अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो सेम चीज है, सबसे पहले अपने को करना क्या है, इस 40,000 में से इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देना है। यानी कि 40,000 में से साहब अपन ने 10%, 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 डिडक्ट कर दिया। गुड्स कितने रुपए का परचेज किया अपने, वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है, 36,000 की, 36,000 की वैल्यू ऑफ गुड्स लिख दी। अब जीएसटी की रेट कितनी दे रखी है, 18% दे रखी है, यानी कि इसका 18% फिर कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, सेम अमाउंट आ जाएगी 6480 आ गया। अब टोटल पेमेंट करना कितना है, 36,000 का तो वैल्यू ऑफ गुड्स है प्लस 6480 की वैल्यू ऑफ जीएसटी है, टैक्स की वैल्यू है, यानी कि टोटल पेमेंट करना कितना है, 42480। इतने रुपए का ही तो पेमेंट करना था, पहले ट्रांजेक्शन में भी यही काम किया था अपन ने। लेकिन अब इस सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपने कैश पेमेंट कितना किया, इसका हाफ, इसका हाफ हो गया 21240। जो कैश डिस्काउंट मिलेगा 3% का, वो कितनी वैल्यू पर मिलेगा, इतनी का ही, यानी कि ये वैल्यू तो हो गई अपनी क्रेडिट 21240 की। तो अब इसका 3% कैश डिस्काउंट की भी बात कर लेते हैं, 3% ही है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट की अगर बात करी 3% की, तो इस अमाउंट का 3% अगर अपन निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 637 रुपीज की। कितने की आती है, 637 रुपीज की, यानी कि डिस्काउंट रिसीव हो गया 637। अब ये वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि कैश पेमेंट में तो कैश डिस्काउंट अलाउ किया था, यानी कि जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो कैश पेमेंट जो आपने किया है उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। तो कैश पेमेंट में से जब इसको डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 20,603, ये कैश डिस्काउंट हो गया। यानी कि अब इस जर्नल एंट्री के थ्रू अपना क्या बन गया, गुड्स परचेज किया 36,000 का, जीएसटी का कैलकुलेशन हुआ 6480 का, कैश पेमेंट कितना हुआ 20,603 रुपीज का आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट टोटल अमाउंट में से क्यों नहीं डिडक्ट किया, क्योंकि टोटल अमाउंट का फुल पेमेंट नहीं किया, अपन ने पार्ट पेमेंट किया है, अपन ने हाफ अमाउंट का पेमेंट किया है। जब हाफ अमाउंट का पेमेंट किया है तो जितना कैश पेमेंट किया है सिर्फ उसी का 3% कैश डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, बैलेंस अमाउंट तो अभी भी क्रेडिट है, यानी कि विजय को हमने क्या किया, क्रेडिटर जनरेट किया है क्रेडिट परचेज के टाइम पर, इट मींस हमने लायबिलिटी क्रिएट करी। क्लियर है, नरेशन सेम आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड हाफ अमाउंट पेड, हाफ अमाउंट एंड जीएसटी पेड। क्लियर है, बात करते हैं अपने अगले ट्रांजेक्शंस की, जो कि है थर्ड ट्रांजेक्शंस। देखो अपन अपने अगले ट्रांजेक्शंस की बात कर लेते हैं,
अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है अपना, सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल को गुड्स सेल किया फॉर 20,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच, अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड बैलेंस रिसीव्ड बाय कैश। यानी कि अपन ने क्या किया, 20,000 का जो गुड्स सेल किया है उसकी दो पार्ट में अमाउंट रिसीव्ड किए, आधी अमाउंट हमने कैश रिसीव्ड कर ली लेकिन आधी अमाउंट का अपन ने करंट डेट का चेक ले लिया। ये चेक भी तो कैश अकाउंट होता है, यानी कि पूरी अमाउंट कैश पर काम हो रही है, हो रहा है। तो अब अपन एंट्री क्या कर देंगे थर्ड ट्रांजेक्शन की, कैश अकाउंट डेबिट। अब जब सेल्स की बात आती है तो सेल्स के साथ में डिस्काउंट अलाउड आता है, और डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया है तो टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी। यही तो काम किया है अभी अपन ने। अब अपन ने कैश कितने रुपए का सेल किया साहब, तो मैं यहां पर यह बात करता हूं, अपन ने गुड्स कितने रुपए का सेल किया है, गुड्स सेल किया है 20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि इस 20,000 का 10% इसमें से लेस कर देते हैं। तो गुड्स कितने रुपए का सेल किया, वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी हुई 18,000, यानी कि सेल्स के अंदर वैल्यू लिख दी हमने 18,000। अब इस 18,000 का 9% की रेट से सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है, तो 18,000 का 9% की रेट से अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 1620 का टोटल अमाउंट कितनी हो गई साहब, पेमेंट कितना आना चाहिए था आपके पास में, 18,000 प्लस 1620 टोटल अमाउंट 21,240 रुपीज आना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया 3% कैश डिस्काउंट भी अलाउड कर दिया, यानी कि अब इसका 3% कैश डिस्काउंट दे देते हैं। इसका जब 3% कैश डिस्काउंट अपन देते हैं तो अपनी वैल्यू बन जाती है 638 की, और बची हुई अमाउंट अपने पास में पेमेंट आ जाता है, और वो आ जाता है 20,602 रुपीज का। कितना आ जाता है 20,602 रुपीज का, क्लियर है। नरेशन अपन क्या लिख देते हैं, बींग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। फोर्थ ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं। अब फोर्थ ट्रांजेक्शंस की बात करने से पहले अपन एक चीज देखते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000, यानी कि 40,000 रुपीज की कॉस्ट का गुड्स सोल्ड किया है, यानी कि सेलिंग प्राइस नहीं है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, प्लस इसका प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट है कि नहीं है, यानी कि प्लस 25%। अब 40,000 का 25% कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है 10,000 होता है कि नहीं होता, यानी कि आपने गुड्स कितने रुपए में सेल किया 50,000 में, 40,000 रुपीज का गुड्स सेल किया है कितने रुपीज में 50,000 में, और अब इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, यानी कि इसका 20%। अब ये एक कोइंसिडेंटली है कि प्रॉफिट भी 10,000 है और ट्रेड डिस्काउंट भी 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो वो भी 10,000 होता है, यानी कि 50,000 माइनस 10,000 किस चीज के, ट्रेड डिस्काउंट के। तो गुड्स सेल कितने में किया साहब, 40,000 रुपीज में किया कि नहीं किया, एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हमारे को कैश मिला है। तो हम अपनी एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट,
जब सेल्स किया है तो डिस्काउंट अलाउड की बात कर लेते हैं अपन साथ में ही, यानी कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू कौन सा है, आईजीएसटी है कि सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, यानी कि टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब सेल्स कितने रुपीस का किया साहब, 40,000 रुपीस का सेल्स, 40,000 का। आईजीएसटी कितना रेट दे रखा है, 18%, यानी कि 40,000 का 18% कैलकुलेट करते हैं तो आईजीएसटी कितना आ जाता है, 7,200। इट मींस आपके पास पैसे आने कितने चाहिए, 40,000 प्लस 7,200, टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट होनी चाहिए आपके पास में, 47,200 होना चाहिए। लेकिन अपन ने क्या किया, इसका 2% कैश डिस्काउंट भी दिया, यानी कि इस 47,200 का 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 944। इतने रुपए का आपने कस्टमर को और डिस्काउंट दे दिया। अब आपके पास में जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 46,256 रुपीस की। क्लियर है, नरेशन अपन अपना वही लिख देते, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी को कलेक्ट कर लिया अपन ने, तो अपनी एंट्रियां हो गई। अब आपको करना क्या है, इसी तरीके से आपकी बुक्स में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको उनको सोल्व करना है, ट्राई करना है, इन सब चीज को रिकॉल करना है। अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं एक नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि अपनी को इसकी चीज की बार बार कंटिन्यूअसली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। तो अपन इसी जीएसटी के टॉपिक में अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में दोबारा एक नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तब तक आपको इसको रिकॉल करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।